ये नोट ही कर लीजिए आप लोग, लिखिए इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, और भी जगह एप्लीकेबल होगा, बहुत जगह एप्लीकेबल होता है, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स देन एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। इट्स वेरी सिंपल लेकिन काफी काम का है। इट इज द केस व्हेन एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ आर प्लस, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। कई बार इसे हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम भी कहते हैं दो नंबर्स के लिए, लेकिन इसके मल्टीपल यूज हैं, बहुत जगह यूज होते हैं। एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ आर प्लस हैं तो दो नंबर का सम बाई टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेन एक्स एंड वाई बोथ आर निगेटिव, इफ बोथ आर निगेटिव तो वाट वी गेट, है? अगर दोनों के दोनों निगेटिव होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइड कैसी आएगी, एक्स प्लस वाई बाई टू ये कैसा आएगा, निगेटिव निगेटिव आएगा कि नहीं, है? निगेटिव आएगा, और ये कैसा आएगा, इधर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, ये भी नोट कर लो। ठीक है, एंड थर्ड वन जो कि वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्स प्लस वाई बाई टू और रूट ऑफ एक्स वाई, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक्स लेट आर माइनस है और वाई लेट आर प्लस है, ठीक है ना, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस साइड नॉट डिफाइंड, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव, एंड दिस साइड डिफाइंड। ठीक है कि नहीं, तो सबसे पहले इसी केस के लिए लिख लीजिए, जब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो रूट ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफाइंड, वी कांट कंपेयर नॉन रियल नंबर विद रियल नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वैसे भी नॉन रियल नंबर्स में कंपेरिजन डिफाइंड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में आप लोग सीखेंगे कि वेक्टर हुआ और कॉम्प्लेक्स हुए वो पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कभी भी उनमें कंपेरिजन डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये एक नॉन रियल नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, इन दिस केस कंपैरिजन इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लो, ये ध्यान से देखिए, आई थिंक थर्ड के बारे में तो इससे ज्यादा डिटेल कुछ है नहीं, ये नॉट डिफाइंड ये डिफाइंड। फर्स्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट के बारे में सेकंड का भी एक्सप्लेनेशन काफी आसान है, सेकंड तो देखते हैं पहले, सेकंड में क्या होगा, ये साइड कैसी होगी, नेगेटिव है, और ये साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, तो कोई टेंशन है ही नहीं, पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एंड सेकंड इक्वलिटी कब वैलिड होगी, सेकंड इक्वलिटी कब वैलिड होगी, कोई भी जीरो नहीं, व्हेन बोथ आर जीरो। बात समझ में आ रही है, कोई एक भी जीरो होगा तो भी इक्वलिटी वैलिड नहीं होगी, क्यों नहीं वैलिड होगी, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर जीरो, तो इस सेकंड के लिए आप नोट कर सकते हैं, इक्वलिटी इज वैलिड एंड बोथ द नंबर्स आर जीरो, आर नेगेटिव के लिए कभी इक्वलिटी वैलिड नहीं है, इक्वलिटी इज वैलिड व्हेन बोथ द नंबर्स आर जीरो। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, समझ आए। अब फर्स्ट के लिए बात करें, फर्स्ट तो थोड़ा प्रूफ भी करना पड़ेगा,
फर्स्ट पे कंसंट्रेट करना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई। इसे प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल वन। हमें मालूम है एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो वी कैन राइट इट एज रूट एक्स का होल स्क्वायर। बस मुझे एक बात मालूम है कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसी का मैं यूज कर रहा हूं। कंसंट्रेट करना, माइनस टू रूट ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। इसे रूट एक्स का होल स्क्वायर कब लिख सकते हैं हम, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर आ गया, और रियल नंबर का स्क्वायर हम सब जानते हैं क्या होता है, नॉन नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये नॉन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कन्वर्स डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। गॉट इट? समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया? एनी डाउट? ये इक्वलिटी कब वैलिड होगी है? नहीं, व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई। लिख लो, दिस इक्वलिटी इज वैलिड व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। यस। अरे भैया, एक्स वाई जीरो पे भी होगा, लेकिन दोनों इक्वल हैं उस केस में भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म या तो पॉजिटिव होगा, जीरो कब हो सकता है जब दोनों के दोनों कैसे हो, सेम। अगर दोनों के दोनों सेम है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? ढंग से नोट कर लिया? ये काफी इंपॉर्टेंट है टू पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। इसे एएम कहते हैं, इसे जीएम कहते हैं। अगर टू नेगेटिव नंबर्स हो तो भी इसे एएम कहते हैं, ये जीएम भी डिफाइंड होता है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एएम तो डिफाइंड होता है लेकिन जीएम डिफाइंड नहीं होता, रूट ऑफ एक्स वाई डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ गई है? जीएम जीपी तो डिफाइंड हो सकती है लेकिन रूट ऑफ एक्स वाई डिफाइंड नहीं है, उसे भी सोचना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है कि नहीं? अब इसी से रिलेटेड मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। इस केस में तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे, कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट में दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस वाई प्रॉब्लम्स में कई बार यूज होता है स्क्वायर, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है ना? मतलब एक्स प्लस वाई बाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, फोर एक्स वाई। और अगर एक्स वाई पॉजिटिव है, क्या सेकंड केस में भी ये वैलिड होगा? यस। अगर ये नंबर इससे कम है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई डाउट है? ये समझ आ गया? ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन अपॉन फोर एक्स वाई, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो वैलिड। ये समझ आ गया? इक्वलिटी कब वैलिड होगी? व्हेन एक्स इक्वल टू वाई। अगर इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो ये वन तब हो सकता है जब एक्स इक्वल टू वाई, और जीरो की तो बात है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट? ठीक है कि नहीं? अगर मेरे पास एक्स प्लस वाई बाई टू, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कुछ कह नहीं सकते, क्या कहा जाए, मैग्नीट्यूड वाइज लें अगर मॉड एक्स, ये निश्चित तौर पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई वाई टू लिख दें तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी।
होगी कि नहीं है? नहीं, ये समझ आ गया यहां तक। अब मुझे ये बताइए कि x प्लस वाई बाई टू, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने लिया माइनस टू और माइनस थ्री ले लिया और टू और थ्री लिया, तो इनका रूट ऑफ एक्स वाई है वो इससे कम है, और इनका रूट ऑफ एक्स वाई इनसे ज्यादा क्यों है? मतलब ये नेगेटिव है। अगर मैं कह लूं माइनस ऑफ माइनस टू का ले लूं, ठीक है कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बाई टू लूं, वो तो कैसा हो गया, एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई टाइप का हो गया ना, ठीक है कि नहीं? तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा? तो अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो इनके मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा? बाई टू, इससे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? है पॉजिटिव हो जाएगा। तो चाहे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो और चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, अब मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई बाई स्क्वायर, ये कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नहीं। मुझे ये बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये इट इज वैलिड, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड, इसमें कोई डाउट है? नहीं आया। अब मैं स्क्वायर वाले पे बात कर रहा हूं, मुझे ध्यान से बताना कि दिस इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं, इस इनइक्वालिटी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आइदर एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड, लिख लो यार, ये अंडर रूट की बात ही नहीं है। द गिवन इनइक्वालिटी, अंडर रूट तो यहां आ ही नहीं रहा ना, द गिवन इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड द गिवन इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड आइदर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ आया? स्क्वायर वाली बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल रूट वाली बात नहीं कर रहा। जैसे वन पॉजिटिव वन नेगेटिव का एक्सप्लेनेशन हम क्या दे सकते हैं, ये वाली साइड हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। और ये साइड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों साइड पॉजिटिव हो गई, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं? ये किसके इक्वल होगा? माइनस फोर एक्स वाई। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं है? मतलब बोथ आर नहीं आई। अरे क्या दिक्कत है यार, इसको इधर ले गए तो ये इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं? अरे ग्रेटर देन, ये वैलिड हो गया ना, ये सही हो गया, ये स्क्वायर आ गया ना। तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अंडर रूट वाली बात नहीं कर रहा, ये हर केस में डिफाइंड है। एक्स और वाई चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तभी डिफाइंड है। सो ये चाहे दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, जीएम की बात नहीं कर रहा। तो ये जो इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी हर केस में वैलिड है, चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों के दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट नहीं आया समझ में? जब एक पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिए, जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसे मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं? ये साइड क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर। और ये साइड क्या है? नेगेटिव। तो कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वो कैसा आ गया? ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है कि नहीं है? वैसे तो इससे सभी एक्सप्लेन हो रहे हैं,
ये तो हमेशा ही वैलिड है, एक्स और वाई कुछ भी हो है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज तो एक्स और वाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो हमेशा वैलिड है ना, इसमें कोई डाउट? समझ आ गए? ये वाली जो इनइक्वलिटी है ये हमेशा वैलिड है, आल दो इसी का अंडर रूट लेके ये तीन बनी थी, अगर हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ये ऐसे ही केसेस हैं, इन तीनों को क्लब करने के बाद ये बन रहा है, मतलब ये तो हमेशा वैलिड है, लेकिन x प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई रूट एक्स वाई वो हमेशा वैलिड नहीं है। उसके लिए तीन पॉसिबल केसेस क्या है? अगर x और y बोथ आर पॉजिटिव होंगे तो वैलिड होगा, x और y बोथ आर नेगेटिव होंगे तो उल्टा वैलिड होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कुछ भी वैलिड नहीं होगा। समझ आए? ढंग से आ गया क्या? ठीक है कि नहीं है? सही तरह से नोट कर लें, एक बार एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे ऐसे देखना कि लैम्डा स्क्वायर मेरे पास ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या है? अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 2, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखना, ऐसा ही है एकदम बात है, ये कंफ्यूजिंग होती है लेकिन, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा ग्रेटर देन 2, लैम्डा लेस देन माइनस 2, ठीक है कि नहीं? यही तो मतलब है, मतलब इसका स्क्वायर इससे ज्यादा है, तो जब ये पॉजिटिव है तो इसके अंडर रूट से ज्यादा है, जब नेगेटिव है तो माइनस से भी इससे कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको यहां से थोड़ा सा रिलेट करो या इंडिपेंडेंटली सोचो कि ये जो इनइक्वलिटी है इट इज वैलिड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ आर, बट एक्स प्लस वाई इसके अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो हमारे पास क्या वैलिड होगा? एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ एक्स वाई। लेकिन ये कब वैलिड होता है? ये कब वैलिड होता है? व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। ये कब वैलिड होता है? बोथ आर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, क्या ये डिफाइंड होगा? नहीं डिफाइंड होगा। तो इन चार इनइक्वलिटीज के बारे में मैंने बात की, ढंग से नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, क्या नहीं सिखाया क्या? अरे ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो कब पॉसिबल हो सकता है? तो दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब लैम्डा कैसा होगा? माइनस टू से कम होगा। अरे ये नेगेटिव कब होगा? जब लैम्डा कैसा होगा? लेस देन माइनस टू। लैम्डा लैम्डा की जगह माइनस थ्री रखेगा तभी तो ये नेगेटिव आएगा। ये टू पे माइनस टू पे क्या होगा? ये जीरो, ये वाला टर्म। और लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस टू से ज्यादा होगी तो कैसा होगा? पॉजिटिव। और माइनस टू से कम होगी तो नेगेटिव। जब लैम्डा माइनस टू से कम होगा तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? कोई भी लैम्डा है हम बस, तो दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट कैसा हो गया? है ठीक है ना? ये रेशनल इनइक्वलिटी में बताया गया है, हो सकता है आपने की नहीं है, वो क्वाड्रेटिक में बताऊंगा मैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आप चारों इनइक्वलिटी को ढंग से देखिए यार। अब ये क्वाड्रेटिक या एम जी एम की बात थी, लेकिन यहां पे की है हमने, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी बनती है लिखिए यार। डेवलप द कंडीशन, डेवलप द कंडीशन एंड ऑन एक्स एंड वाई, डेवलप द कंडीशन ऑन एक्स एंड वाई एंड फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इफ cos square theta is equal to
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स वाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन फोर एक्स वाई। ठीक है, तो इनमें से कोई एक मैं डिस्कस करूंगा या दो भी कर सकता हूं, बताइए। देखिए चलिए, हाँ कितना था पहला, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, कितना दिया था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फोर एक्स वाई, बताइए क्या आना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई एंड थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस, थीटा इक्वल टू एन पाई, करेक्ट है क्या, एन इंटीजर है, प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है तो ये ज्यादा करेक्ट नहीं है, गलती हो गई इसमें। ध्यान से देखिए, इसे देख के हम ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि दोनों के साइन कैसे नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों के साइन अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये साइड कैसी आ जाएगी, निगेटिव, और ये साइड कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो बहुत छोटी सी गलती है, एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसमें क्या वैलिड होना चाहिए, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आइदर बोथ आर निगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू वन कब होगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब एक्स इक्वल टू वाई होगा, बात समझ में आ रही है, और इस केस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, वन, और कॉस का थीटा क्या होता है, वन कब होता है, जब थीटा क्या होता है, एन पाई, यही आंसर आ रहा है। लेकिन आपको यह जरूर मेंशन करना चाहिए कि एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ आर है, एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है, तो जीरो के लिए भी इक्वलिटी डिफाइंड होती है, बात समझ में आ रही है, लेकिन जब एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है कि नहीं, तो एकदम जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देन दिस वैल्यू इज वन, अदरवाइज इट इज ग्रेटर देन वन, बात समझ में आ रही है कि नहीं, एन पाई से काम चल जाएगा ना, स्क्वायर है तो जीरो पे भी वन आएगा, पाई पे भी वन आएगा, वन भी फेवरेबल है और माइनस वन भी फेवरेबल है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा सिखाया है ना, तो उसमें क्या होता है, पाई भी काम का है, टू पाई भी काम का है, थ्री पाई भी काम का है, एन एलिमेंट ऑफ पाई, समझ गए कि नहीं है, ठीक है, कोई डाउट, ये वैल्यू कैसी आएगी, समझ आ गया ना, ठीक है, साइन वाला अपने आप करना सेम ही है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, नोट कर लो जल्दी से, ये डिस्कशन ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
नोट कर लिया क्या? हा? ये टर्म कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और ये लेस देन इक्वल टू वन है, तो इक्वलिटी कब आ सकती है ओनली जब दोनों वन हो, और दोनों वन, ये वन कब होगा? जब एक्स इक्वल टू वाई हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाए दोनों, दोनों पॉजिटिव हो जाए चलेगा। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन फोर एक्स वाई होल स्क्वायर है। जीरो तो हो नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये साइड भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव केस कब होगा? जब एक्स और वाई कैसे हो सेम साइन के। ये सही है, इसमें फर्स्ट लिखो एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑफ सेम साइन। एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑफ सेम साइन। अब कंसंट्रेट करना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इसके सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? सिखाया है मैंने आपको, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस टेन इनवर्स, कितना आएगा? मॉड एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स वाई। समझ गए कि नहीं? मतलब एक एंगल ऐसा ही होगा ना, ये टेन थीटा या अल्फा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है ना। मान लो अल्फा एक फिक्स एंगल है जिसके लिए टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये होनी चाहिए ना। समझ गए कि नहीं? है? अरे मॉड लिख दिया यार, पॉजिटिव वाला ले लिया, कोई क्या दिक्कत है। जीरो से पाई बाई टू वाला ले लिया है। क्या है? लेकिन वहां पे एक्स इक्वल टू वाई करेगा तो अपने आप ही क्या हो गया? नंबर ही इक्वल हो गए महाराज, दोनों साइन नहीं, सब कुछ ही इक्वल हो गया, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे साइन की बात कर रहे हैं तो जीरो को अवॉइड ही कर रहे हैं। ये समझ आ गया? कोई डाउट है? ठीक है कि नहीं? है? मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा ढंग से बोल। अरे टेन स्क्वायर थीटा ना यार, ये साइन सेम क्यों हुए? टेन स्क्वायर थीटा से आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और टेन थीटा बाउंडेड नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। लेकिन ये तो माइनस इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो इसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो किसमें लाई करेगा, कौन बताएगा? इसका सॉल्यूशन जो जीरो से पाई बाई टू में लाई करेगा वो किसमें लाई करेगा? ये नंबर कैसा होगा? ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इसका जो सॉल्यूशन है अल्फा है, ये वाला जो एंगल है, कोई एक एंगल किसमें लाई करेगा? पाई बाई फोर से क्लोज से पाई बाई टू ओपन में। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब नहीं आई बात समझ? एक्चुअली है क्या है, लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, ये नंबर कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल तभी हो सकता है जब इक्वल टू वन हो, इसलिए हमने ये कर दिया था। ये वन कब होता है? जब एक्स इक्वल टू वाई होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन भी हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। टेन तो सभी वैल्यू ऑब्टेन करता है ना, तो उसके लिए हमने एक एंगल ये निकाल लिया और जनरल सॉल्यूशन लिख दिए। इन डिटेल मतलब डीप में जाके ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो किसमें लाई करेगा, इसकी जो वैल्यू है वो किसमें लाई करेगी? पाई बाय फोर से
पाई बाई टू, क्यों? क्योंकि ये नंबर कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोई एक पी है और पी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो जिस एंगल के लिए टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी होगा वो एंगल किस में लाई करेगा, पाई बाय फोर से पाई बाय टू में लाई करेगा। बात समझ में आई ना, नहीं आई? अरे भैया पाई बाय टू पे तो इन्फाइनाइट चला गया, दोबारा भी नीचे भी हो सकता है, निगेटिव वाला भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या तो माइनस वन से कम होगा या वन से ज्यादा होगा, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो। समझ गए? एनी डाउट? यस, नहीं वन ऑफ द क्या क्या क्या, दोनों निगेटिव हैं तो ये तो पॉजिटिव ही है यार, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये साइड निगेटिव हो गई और ये साइड हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखिए। सीखने के लिए काफी कुछ है इनमें। ठीक है, नोट कर लिए। सिंपल सा कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई होता है, और इफ बोथ आर पॉजिटिव देन नंबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई फोर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड इफ बोथ आर निगेटिव देन अगेन सेम इनइक्वलिटी, बट वन वेन वन पॉजिटिव वन निगेटिव इनइक्वलिटी इज रिवर्स। समझ गए? हैं? नेक्स्ट लिखिए। डेवलप द कंडीशन ऑन थीटा एंड एक्स एंड वाई सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं भाई। इसे मैंने देखा तो पहली बात मेरे को ये लगा कि सेक थीटा किसमें लाई करता है हमेशा, या तो वन क्लोज से इन्फाइनाइट, ठीक है, या माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस वन क्लोज, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। लेकिन जैसे ही मैंने इस साइड को ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि मैग्नीट्यूड वाइज ऊपर वाला टर्म है वो कैसा है, हमेशा अगर वाई जीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है? वाई जीरो है तो बात अलग है, अगर वाई जीरो नहीं है, ए वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या है, ऊपर वाले टर्म का मैग्नीट्यूड है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैसा है, कम है। बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रहा हूं मैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर x और y में से कोई भी जीरो नहीं है, इफ x इज एलिमेंट ऑफ r एंड x नॉट इक्वल टू जीरो एंड y इज एलिमेंट ऑफ r y नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ऊपर वाले टर्म का वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मैग्नीट्यूड से कम है। तो जैसे ये कंक्लूजन आया तो सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, या तो क्या होगा, ये अगर ये पॉजिटिव है, निगेटिव भी हो सकता है, मालूम नहीं है वाई बड़ा है कि एक्स बड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दूसरा कंक्लूजन क्या आ गया, या तो ये वन से कम होगा या माइनस वन से ज्यादा होगा।
बात समझ में आई? दोबारा सुनिए, जैसे ही इस टर्म को हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है कि ऊपर वाले टर्म का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड साइन नहीं, नीचे वाले टर्म से मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये जो नंबर है, मैग्नीट्यूड वाइज मॉड वाइज वो कैसा होगा, लेस देन वन, लेस देन वन होगा कि नहीं मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर मैं इसे लेमडा मान रहा हूं तो मॉड ऑफ लेमडा कैसा है, लेस देन वन। तो ये नंबर किसमें होगा, माइनस वन से वन में। बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं, इसमें कोई डाउट? जैसे वाई, अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर वाला जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो कम ही होगा ना। तो नीचे ज्यादा बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, लेकिन नीचे वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, ऊपर वाले से ज्यादा है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? जैसे ऊपर माइनस टू है, नीचे क्या है, फाइव है, तो वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन माइनस वन, निगेटिव होगी। तो माइनस वन से छोटी हो सकती है क्या? ये बात समझ में आ गई ना, यहां तक कोई डाउट? तो इससे एक बेस्ट कंक्लूजन हमारे पास आ गया जो सॉल्विंग वाला है, कि लेफ्ट हैंड साइड है जो sec थीटा है वो वन क्लोज से इन्फाइनाइट होता है या माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन क्लोज होता है। इधर का मैंने एक केस डिस्कस कर लिया, जब दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है उस केस में ये वैल्यू किसमें लाई कर रही है, माइनस वन ओपन से वन ओपन में। तो इस केस में sec थीटा इक्वल टू दिस नंबर, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस केस, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट? इट मीन्स देर एग्जिस्ट नो थीटा इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, वाई एलिमेंट ऑफ आर, बट बोथ नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंक्लूजन लिख लो ये। देर एग्जिस्ट नो थीटा इफ x एलिमेंट ऑफ r, y एलिमेंट ऑफ r, बट बोथ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। दूसरा केस भैया, दोनों कोई जीरो नहीं था, दोनों को ही मैंने क्या ले लिया, जीरो। तो इससे भी कोई भी पॉसिबल केसेस नहीं है क्या? है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? ये साइड कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी तो जाएगा लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं है। नॉट डिफाइंड वाले केसेस नहीं लेते, नॉट डिफाइंड के केस में इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इंफिनिटी से मतलब नहीं है, जब x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो sec थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि फिर हम थीटा को पाई बाई टू टाइप का ले लें, नॉट डिफाइंड में इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होती। बात समझ में आ गए, यहां से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब एक को जीरो करते हैं, एक्स को जीरो किया और वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें कुछ कुछ आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, sec थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन पाई, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ आई। समझ आया ये है? और दूसरा केस, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या आएगा, sec थीटा इक्वल टू वन, तो थीटा क्या आ जाएगा, टू एन पाई, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ आई। ठीक है कि नहीं, समझ आया? तो इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने के लिए मैंडेटरी कंडीशंस क्या हो गई, एक जीरो हो सकता है और दूसरा जीरो नहीं होना चाहिए, और उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई थीटा आते हैं, अगर एक्स जीरो हो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, और वाई जीरो हो और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हमारे पास क्या आता है, समझ गए? यस, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो बोथ आर जीरो होंगे, तो एक्जैक्टली जीरो अपॉन एक्जैक्टली जीरो, ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, लिमिट में भी डिटेल में आएगा,
एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिटर्मिनेट नहीं होता, एग्जैक्ट नॉन डिटर्मिनेट नहीं होता, नॉन डिटर्मिनेट करके अनडिटरमाइंड फॉर्म आएंगे कुछ, लेकिन एक्स इक्वल जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये ऐसा ही केस है कि वन अपॉन एग्जैक्टली जीरो। अरे एक्स इक्वल टू वाई लिख देगा, दोनों जीरो हो जाएंगे तो जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा ना, पागल है, नॉट डिफाइंड होता है, लिख ले। अरे नहीं यार, लिमिट का फंडा है ये, जीरो जैसे अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही एग्जैक्टली जीरो वन अपॉन एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, लिख लो इसे नोट करके, जीरो अपॉन जीरो क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि नॉट डिफाइंड के केस में इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि तू भी बुरा मैं भी बुरा तो हम दोनों इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नॉट डिफाइंड के केस में इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, समझ आ गया है। एक बहुत छोटा सा नोट और मैं लिखाता हूं, इतनी बात बता दिया तो, y इक्वल टू वन और y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, इनमें कुछ अंतर है क्या, है। इसमें x की हर वैल्यू के लिए y कितना आ रहा है, वन, इसका ग्राफ ऐसा होगा, और इसमें क्या है, ढंग से बना लेना इसे, x इक्वल टू जीरो पे कैसा है ये, नॉट डिफाइंड, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यहां ओपन आएगा, यहां से जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, और यहां पे एक्स, काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां एक्स की हर वैल्यू के लिए वैल्यू कितनी आएगी, वन, नोट कर लेना। एग्जैक्ट जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझ गए। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया ना, कोई डाउट, यस, सभी ने नोट कर लिया, वो भी लिख लेना, y इक्वल टू वन और y इक्वल टू एक्स बाई एक्स, दोनों डिफरेंट है। आगे लिखिए नेक्स्ट, डेवलप द, नहीं है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर थीटा एंड एक्स, यहां से भी बहुत सीखने को मिलेगा, फॉर थीटा एंड एक्स इफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, एक तो क्या आएगा, ये साइड हमें से कैसा है, माइनस टू से टू में, और ये साइड कैसा है, या तो टू से बड़ा है इंफाइनाइट तक, या माइनस इंफाइनाइट से माइनस टू है। टू से बड़ा कब है, जब दोनों के दोनों कैसे हो, पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है कि नहीं, और माइनस इंफाइनाइट टू माइनस टू कब है, जब दोनों के दोनों कैसे हो, नेगेटिव, मतलब एक्स नेगेटिव हो, बात समझ में आ गई। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, या तो x इक्वल टू क्या हो, वन हो, x इक्वल टू वन होगा तो साइन थीटा भी वन आ जाएगा, उस केस में इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, थीटा इक्वल टू कितना आएगा,
टू के पाई एक पीरियड में एक ही सॉल्यूशन आता है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, वेयर के इज एलिमेंट ऑफ पाई। दूसरी पॉसिबल केस क्या है, एक्स इक्वल टू क्या हो, माइनस वन हो, तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन। इसके जनरल सॉल्यूशन या तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टू के पाई माइनस पाई बाई टू लिख दें, या थ्री पाई बाई टू लिख दें, जब के क्या हो, एलिमेंट ऑफ आई, समझ गए ना, या यहां माइनस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं, ये समझ आ गया, ठीक है कि नहीं। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स को जो मैंने बताया आप लोगों, ये नोट कर लिया, ध्यान से देखना, एक्स प्लस वन बाई एक्स कैसा होगा, माइनस टू कर दिया प्लस टू कर दिया, अब पहले एक्स पॉजिटिव ले लिया हमने, एलिमेंट ऑफ आर प्लस ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। तो जब ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, टू, समझ आया कि नहीं। और अगर ये एक्स नेगेटिव है तो उस केस में माइनस बाहर को लिख देंगे हम, अगर एक्स नेगेटिव है, इन केस एक्स नेगेटिव को इस अप्रोच से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स जीरो तो हो नहीं सकता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स कर देंगे। अब माइनस एक्स तो पॉजिटिव हो गया ना, तो इस चीज का जो वेरिएशन है, इसका वेरिएशन कहां से कहां तक जाएगा, टू से इनफाइनाइट, नहीं आया समझ में, तो इसका मतलब ओवरऑल जो वेरिएशन है एक्स माइनस के लिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक जाएगा, क्या ये याद भी करना है, पहले मैं बता चुका हूं, अभी प्रूव करके दोबारा से बता रहा हूं, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू किया प्लस टू किया, ठीक है, इन तीनों को क्लब कर दिया, ये कब डिस्कस कर रहे हैं, जब एक्स कैसा है, एलिमेंट ऑफ आर प्लस, नोट भी कर लो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। अब यहां से जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव ही तो आएगा यार, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, टू आएगी, और बढ़ता जाएगा, टू से लेके कहां तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक, समझ गए ना। और एक्स नेगेटिव के लिए कैसे कर सकते हैं, माइनस बार ले लिया, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स कर दिया, ठीक है कि नहीं, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा ना, मैं इसलिए चाहता हूं एक्स एलिमेंट ऑफ आर माइनस है, लेकिन मुझे क्या मालूम है कि टी प्लस वन बाई टी का वेरिएशन मालूम है, जब टी क्या हो, पॉजिटिव, तो अगर एक्स माइनस है तो माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, नहीं आया समझ में, तो ये टी प्लस वन बाई टी हो गया ना, ये कहां से कहां तक जाएगा, टू से इन्फाइनाइट, तो इसका माइनस कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस टू, समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन बहुत डिटेल में आपको कैलकुलस में कभी सिखाए जाएंगे, और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आगे आता ही रहेगा ये, तो x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ, जैसे साइन x का ग्राफ आपको याद है, ऐसे ही y इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स का ग्राफ भी आपको याद करना है, नोट करके लिख लीजिए, बना लीजिए तरीके से, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे y इक्वल टू साइन x का याद है वैसे ही याद करना है, लिख लेना, लर्न करना है, क्या ग्राफ बता रहे हैं, तो ग्राफ याद हो जाएगा तो वेरिएशन भी याद हो जाएगा, ग्राफ भी याद कर लेना, बता रहे ना अभी, अब क्योंकि याद करना है इसलिए एकदम करेक्ट बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बनाना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये बना लीजिए, अब रुक जाइए, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ को करेक्ट बनाने के लिए लाइन बना रहा हूं, ये कौन सी लाइन बनाई है, y इक्वल टू x, ठीक है, अब देख लीजिए कैसे बनाना है, समझने हैं आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, ये जीरो जीरो है, इसके बाद क्या करना है, यहां वन बनाना, और वन पे वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, ये पॉइंट बनाना, ध्यान से देख लो,
ठीक है। इसके बाद कहां से स्टार्ट करना, यहां से इन्फाइनाइट से स्टार्ट करना और ऐसे आना और यहां साइन की तरह ग्राफ बना देना, इतना बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना, इसके ऊपर से टच नहीं करवाना, मेरा सही नहीं चल रहा है पेन, ये ऐसे 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 सीधे जाएगा, समझ गए, इस टाइप के टेन टाइप का कॉर्नर कहीं पे भी नहीं है। मैं दोबारा से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये पॉइंट बनाया, अब इधर से फ्री हैंड से ऐसे आए और ऐसे चले गए, ठीक है ना, सही तरह से। और यहां पर भी माइनस वन पे माइनस टू वैल्यू है, ऐसे ऐसे बनाना, ठीक है, बना लो। अब इसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, -2। सही तरह से याद भी करना है, समझ आ गया क्या। हां यार, जितना बता रहे हैं उतना तो ध्यान रखो ना, सब डिटेल में बता देंगे ना बाद में। ये आपको करेक्ट याद करना है, अभी y इक्वल टू x से अप्रोच कर रहा है, अब लिमिट तो आता नहीं है, x जब इन्फाइनाइट की ओर जाएगा तो ये किस तरफ जाएगा, जीरो की ओर, तो y है वो किस तरफ जाएगा, x की ओर, x से ऊपर ही रहेगा। जैसे पाई बाई टू लाइन की ओर अप्रोच करता है टेन का ग्राफ, टेन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये ऐसे अप्रोच करवाते हैं, वैसे ही ये जो ग्राफ है वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, y इक्वल टू x लाइन पे, समझ गए ना। यहां पर थोड़ा करेक्ट नहीं बनाया, मैं दोबारा से बनाता हूं, ये लाइन बनाई, ये बनाई, ये y इक्वल टू x बना दिया और इसके बाद फ्री एंड से ग्राफ बनाया मैंने, ऐसे ऐसे गए और ऐसे, शिट, आप लोग सही बनाइए, अरे क्या हो रहा है यार, इधर से स्टार्ट करता हूं, वर्टिकल लाइन से ही नहीं बना पा रहा मैं, क्या हो रहा है, आप लोग सही बनाइए, मुझे लगता है समझ तो आई गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, यस ठीक है। ड्राइंग यार अब सही होती जा रही है, वैसे मैंने ये क्या है 1, 2, तो मुझे ये बताइए y कहां से कहां तक जा रहा है, हमेशा याद रहेगा -1, -2, ये 0, 0, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, कोई डाउट, याद रखना ये y कहां से कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू x प्लस 1 y x है, तो अगर x पॉजिटिव होता है तो y कैसे जाता है, पहले इन्फाइनाइट से 2 तक आता है, फिर 2 से इन्फाइनाइट तक जाता है, और x नेगेटिव है तो माइनस से इन्फाइनाइट से -2 तक जाता है, फिर -2 से -इन्फाइनाइट, याद रखेंगे, कोई डाउट यहां तक है, नेक्स्ट लिखिए चलिए। अब ये एक प्रॉब्लम तो हो गई आपकी कम से कम, अब ऐसा ही करा देता हूं एक, क्या दिक्कत है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, नहीं ऐसे लिखो, फाइंड ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, फाइंड ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 to 2 pi, and y is also element of 0 to 2 pi, such that sine square x equal to
कॉस स्क्वायर वाई प्लस वन। देखिए ये क्या हो रहा है यहां पे, वन में कुछ ऐड हो रहा है, तो वन में कुछ ऐड होके साइन स्क्वायर के बराबर आ सकता है क्या? आ सकता है, अगर जो ऐड हो रहा है वो क्या हो, जीरो। तो साइन स्क्वायर इक्वल, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन। तो एक्स इक्वल टू कितना आया, एक तो पाई बाई टू आ गया और एक एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू आ गया, और कॉस स्क्वायर एक्स कितना होना चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई जीरो। तो ये कहां कहां पे जीरो होगा, एक तो किस पे आएगा, जीरो किस पे होता है, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू बस। तो चार आ रहे हैं, फोर आ रहे हैं, फोर सही है। ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, नहीं ऑर्डर पेयर का मतलब है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ऐसे कितने एक्स कॉमा वाई साइमल्टेनियसली पॉसिबल हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या क्या आ गया, एक तो पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू आया, दूसरा क्या आया, पाई बाई टू कॉमा थ्री पाई बाई टू आया, एंड थर्ड क्या आया, थ्री पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, एंड फोर्थ वन थ्री पाई बाई टू कॉमा थ्री पाई बाई टू। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो मुझे लगता है इतना ही सफिशियंट है आज के लिए, ये आ गया, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। ठीक है।